गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म के सीड के बारे में। इससे पहले हम डाइकोटिलेडंस और मोनोकोटिलेडंस की सीड में एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम समझ चुके हैं। अब हमें सीड के कुछ करैक्टर समझने जरूरी हैं, उसका जर्मिनेशन, उसके वायबिलिटी, डॉर्मेंसी और एंडोस्पर्म के हिसाब से कि एंडोस्पर्मी कौन से हैं, नॉन एंडोस्पर्मी कौन से हैं। इससे पहले हमें ये पूरा, इससे पहले के वीडियोस में हम जान चुके हैं कि ओव्यूल इज कन्वर्टेड टू सीड, ओव्यूल ही सीड बनाता है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको क्लियर नहीं है चाहिए तो उससे पहले के वीडियो जिसमें एम्ब्रियोजेनी हुई थी वो आप फिर से देख लीजिए। और आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में। आपको पता है कि ओव्यूल ही हमारा सीड बनाता है, बेसिक है। ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक ही सीड का मेन पार्ट है। उस एम्ब्रियो सैक के अंदर कॉटिलीडंस हैं, एंडोस्पर्म है और सारा जो हमारा हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल सारे स्ट्रक्चर हैं उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर। कुछ अलग चीजें हटके हैं सीड की, एक्सेप्शन केस है। एक कैरनकल, एक आउटग्रोथ होती है स्पॉन्जी आउटग्रोथ अरंड या अरंडी के सीड में, रिसिनस कम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम है। कैरनकल होती है सीड में जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के काम आती है जर्मिनेशन के टाइम इस सीड को, तो स्पॉन्जी आउटग्रोथ उसको हम कैरनकल बोलते हैं। अलग चीज है, हटके कभी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। सबसे छोटा जो सीड होता है ऑर्किड्स का होता है, ऑर्किड के पास छोटे ही होते हैं, सबसे छोटा सीड जो है ऑर्किड्स का होता है। और सबसे बड़ा सीड डबल कोकोनट जोडोशिया मालदीविका, मालदीविका जोडोशिया जीनस है, मालदीविका स्पीसीज है। सबसे बड़ा सीड इसका पाया जाता है, किलो 4-5 किलो तक का इसका सीड होता है। सबसे बड़ा सीड है दुनिया में एंजियोस्पर्म में जोडोशिया मालदीविका। इंपॉर्टेंस, अब हम सीड्स के टाइप्स, एंडोस्पर्म के हिसाब से हम सीड के टाइप्स देखेंगे तो सीड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, अभूण पोषी बीज, और इनको हम बोलते हैं एक्स एल्युमिनस सीड। इन सीड में क्या होता है, जो हमारा भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपमेंट, जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, तो वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ही पूरा एंडोस्पर्म हमारा खत्म हो जाता है। फिर हमें ये सोचना है कि अब ऐसे सीड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्सिमम कॉटिलीडंस में जमा हो जाते हैं, कॉटिलीडंस में न्यूट्रिशन जमा रहता हूँ। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स ऐसा सीड जिसमें जर्मिनेशन तक, जब वो जर्मिनेट करने लग गया होगा बाद में, मिस डेवलपमेंट जब हो रहा है तो एंडोस्पर्म धीरे 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 खत्म हो जाता है, लास्ट में नहीं रहता एंडोस्पर्म, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। स्टार्टिंग में रहता, बाद में नहीं रहता। बीन इसका एग्जांपल है, ये हमारे कॉटिलीडंस है, ये प्लूमूल है, ये रेडिकल है, और इसमें एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है, यूज हो गया उसका। सेकेंड है एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे सीड जिनमें जर्मिनेशन तक एंडोस्पर्म रहता है, बहुत देर रहता है, मींस उसमें न्यूट्रिएंट्स जमा रहता है बहुत देर तक, इसमें एंडोस्पर्म रहता है लास्ट तक जर्मिनेशन तक, उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूण पोषी बीज और एल्युमिनस सीड। तो इसका एग्जाम्पल मेज, ये मेज है, जिया मेज जो बॉटनिकल नेम है मेज मक्के का। इसमें जो है आपने मक्के खाए होंगे, कॉर्न खाते होंगे, तो उसमें जो हम अंदर जो खाते हैं जो कलर्ड पार्ट होता है वाइट कभी अलग अलग कलर का, वो एंडोस्पर्म हम खाते हैं इसमें, तो एंडोस बहुत काफ़ी हार्मोन होते हैं इसमें रेगुलेटर अच्छे से, जियाटिन भी एक इसमें ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन पाया जाता है, तो ये हम खाते हैं। तो एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स जिसमें जो है हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो एंडोस्पर्म में जर्मिनेशन तक रहता है, उनको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषी बीज, मैंने एंडोस्पर्म लास्ट तक है। इंपॉर्टेंस क्या है सीड का, सीड का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सीड के तो नई जनरेशन
को हम बना ही नहीं सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, नई जनरेशन जो है सीड से ही बनती है, नई पीढ़ी को जन्म देना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेन पार्ट हो गया सीड का। एंजियोस्पर्म के हिसाब से पूरे जो नई जनरेशन है वो सीड से ही बनेगी, नया प्लांट जब तक सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा, सीड नहीं बनेगा तो नया प्लांट नहीं बनेगा, नई जनरेशन नहीं बनेगी। तो जो जनरेशन में रेगुलेशन है जो चल रहा है, जो डेवलपमेंट भी होता है सीड से, वेरिएशंस भी आती हैं क्योंकि मेल और फीमेल जो सीड का जो एम्ब्रियो मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन जो जायगोट बना था उसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड्स के बिना तो इनकी लाइफ के हम ये एक्सटेंट हो जाएंगे। अगर हम सीड नहीं बनाएंगे, कोई पौधा सीड नहीं बना पाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जनरेशन वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वायबिलिटी, ऐसा सीड का ऐसा काल ऐसा पीरियड जिसमें सीड अपने को जर्मिनेशन के काबिल तक रख सके, माने वायबिलिटी का जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो सीड अपने को जर्मिनेशन नहीं करेगा, माने जीवन क्षमता कितनी है सीड की कि ताकि वो जर्मिनेट हो सके, उसको हम बोलेंगे सीड की वायबिलिटी। ठीक है, उसकी क्षमता, सजीव क्षमता, जीव क्षमता उसकी। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी होता है ऐसा प्रसुप्त काल, ऐसा काल जिसमें सीड अपने को जर्मिनेट न करा पाए, न होता हो। आपने देखा होगा अभी अगर हमने गेहूं का सीड लिया, उसको अभी लिया हमने, अभी हम उसको अप्रैल या मई में ही उसका जर्मिनेट कराने की कोशिश, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो कुछ पीरियड लेगा जर्मिनेशन के लिए। उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट फेज और उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में ऐसा पीरियड जिसमें सीड अपने को सीड जो है जर्मिनेट नहीं हो पाता है, सुसुप्त काल उसमें सीड जो है सोया रहता है। बाद में जब उस डॉर्मेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तब सीड का हम क्या कर सकेंगे, जर्मिनेशन कर सकते हैं। जर्मिनेशन के हिसाब से अगर कॉटिलेडन्स की बात करें तो दो टाइप का होता है जर्मिनेशन, एक होता है इपीजियल, अगर कॉटिलेडन्स के हिसाब इपीजियल, और एक होता है हाइपोजियल। इपीजियल जर्मिनेशन उस जर्मिनेशन को बोलते हैं जिसमें कॉटिलेडन्स जर्मिनेशन के दौरान ऊपर आ जाते हैं जमीन को, और हाइपोजियल जियल जब जर्मिनेशन के ड्यूरिंग जर्मिनेशन जब कॉटिलेडन्स जमीन के नीचे रहते हैं, अंदर रहते हैं, सॉइल के ऊपर रहेंगे तो इपीजियल कॉटिलेडन्स, सॉइल के नीचे रहेंगे तो हाइपोजियल। तो ये आज हमने स्टडी किया सीड के बारे में, किस तरह से एंडोस्पर्मिक सीड क्या हुआ, जिस सीड में भ्रूण पोष लास्ट तक रहता है, नॉन एंडोस्पर्मिक जिनमें भ्रूण पोष खत्म हो जाता है, और जर्मिनेशन इपीजियल हाइपोजियल। तो सीड के बेसिक करेक्टर हमने आज देखे, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा